स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल प्रोग्रामिंग विद नितिन में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आप अपने कंप्यूटर में लिब्रे ऑफिस को किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं और किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं और लिब्रे ऑफिस का क्या यूज होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि लिब्रे ऑफिस क्या होता है। तो लिब्रे ऑफिस एक तरीके का ऑफिस पैकेज है, जैसे आप सभी लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को जानते होंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रोडक्ट है जो कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में बहुत ही ज्यादा यूज होता है। उसी तरह से कुछ ओपन सोर्स ऑफिस पैकेजेस भी होते हैं, जिसमें से आप दो पैकेजेस के बारे में जानते होंगे, ओपन ऑफिस एंड लिब्रे ऑफिस। सो लिब्रे ऑफिस भी एक तरह का ऑफिस पैकेज है जिसके अंदर आपको डॉक्यूमेंट बनाने का ऑप्शन मिलता है, प्रेजेंटेशन बनाने का ऑप्शन मिलता है, स्प्रेडशीट बनाने का ऑप्शन मिलता है। स्प्रेडशीट मतलब जो आप एक्सेल यूज करते हैं माइक्रोसॉफ्ट के अंदर, उसका आपको ऑप्शन मिलता है। आप माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस पैकेज के अंदर डेटाबेस का यूज करते हैं, वो डेटाबेस भी आपको इस पैकेज के अंदर मिलता है। ठीक है, सो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जैसा ही है, माइक्रोसॉफ्ट पेड प्रोडक्ट है और ये जो ऑफिस पैकेजेस हैं ये सब फ्रीली अवेलेबल हैं क्योंकि ये ओपन सोर्स है। तो चलिए देखते हैं लिब्रे ऑफिस को किस तरह से हम डाउनलोड कर सकते हैं और उसे किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस वीडियो को स्किप अगर आप नहीं करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूं। तो अगर आप इस वीडियो को स्किप नहीं करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले आपको ब्राउजर ओपन कर लेना है। ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको टाइप करना है लिब्रे ऑफिस। ठीक है, सो लिब्रे ऑफिस जब आप टाइप करेंगे तो आपको ये लिंक मिलेगी, इस तरह से रिजल्ट्स मिलेंगे। अब जैसे यहाँ पे आपको ओपन ऑफिस के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। लिब्रे ऑफिस इज अ फ्री एंड ओपन सोर्स ऑफिस प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर सूट। इट इज अ प्रोजेक्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन। इट इज फॉर्मड इन 2010 फ्रॉम openoffice.org व्हिच वाज एन ओपन सोर्स वर्जन ऑफ द अर्लियर स्टार ऑफिस। ओके, ये इसकी बेसिक डिटेल है। ये अवेलेबल है 115 लैंग्वेजेस में और इनके जो ओरिजिनल ऑथर है वो है स्टार डिविजन, जिन्होंने इसको डेवलप करा था। ये 64 बिट और 32 बिट दोनों में ही अवेलेबल है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दो लिंक आपको दिखाई दे रही है लिब्रे ऑफिस की। सो आप यहाँ पे डाउनलोड की जो लिंक आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है इसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे सो ये स्क्रीन आपको मिलेगी। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये डाउनलोड पेज है और यहाँ पे आपको एक बाय डिफॉल्ट लिब्रे ऑफिस 7.1.3 वर्जन जो करंटली यूज में है या जो करंटली लॉन्च करा गया है लिब्रे ऑफिस की कंपनी के थ्रू। सो रिसेंट में जो वर्जन लॉन्च हुआ है उसकी डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई देगी। यहाँ पे आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को चूज कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ओपन सोर्स एप्लीकेशन है और ये सभी तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करती है। सो आप लिनक्स में यूज कर सकते हैं, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि ओपन सोर्स होता है। आप मैक ओएस में यूज कर सकते हैं, एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज कर सकते हैं और विंडोज में यूज कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पे विंडोज में 32 बिट और 64 बिट दोनों के ही ऑप्शन है। अब 32 बिट और 64 बिट आप कैसे पता कर सकते हैं? अपने कंट्रोल पैनल में जाकर, सिस्टम पे जाकर सिस्टम की डिटेल्स को पता कर सकते हैं कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 32 बिट चल रहा है या 64 बिट चल रहा है। मेरा ये जो करंट ऑपरेटिंग सिस्टम मैं यूज कर रहा हूँ ये 32 बिट है। सो मैं यहाँ से 32 बिट सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे ये जो डाउनलोड का बटन दिया हुआ है मुझे इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही मैं इस डाउनलोड के बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। आप थोड़ा सा अगर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको इसका प्रीवियस वर्जन दिखाई देगा 7.0.6। तो आप इसका प्रीवियस वर्जन भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको इसके और पुराने वर्जन डाउनलोड करने हैं तो आप इसके और पुराने वर्जन भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको अवेलेबल वर्जन दिख जाएंगे। ठीक है, और उसके नीचे आपको ओल्ड वर्जन ऑफ लिब्रे ऑफिस भी दिख जाएंगे। सो आर्काइव करके इन्होंने अपने सारे पुराने वर्जन को रखा हुआ है। सो आप इस आर्काइव में से उस पुराने वर्जन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इस आर्काइव को ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे जितने भी पुराने वर्जन लिब्रे ऑफिस के सारे इस आर्काइव में अवेलेबल हैं। तो आप पुराने वर्जन भी यूज कर सकते हैं, बट पुराने वर्जन अगर आप यूज करेंगे तो कुछ नए फीचर्स जो नए वर्जन में इंट्रोड्यूस करे गए हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। सो ट्राई करिए कि आप लेटेस्ट वर्जन का यूज करिए। तो चलिए हम वापस से हमारे मेन पेज पे जाते हैं जहां से हम इसको डाउनलोड करने वाले थे। सो मैं वापस इस पेज पे आ गया हूं और मैं 7.1.3 वर्जन जो है वो डाउनलोड करता हूं। तो मैंने यहां पे डाउनलोड के बटन के ऊपर क्लिक कर दिया। जैसे ही मैं डाउनलोड के बटन के ऊपर क्लिक करूंगा सो यहां पे मुझे एक मैसेज मिलेगा, योर डाउनलोड लिब्रे ऑफिस 7.1.3 विंडोज 86/296 MB इसका साइज है, शुड बिगिन शॉर्टली, प्लीज क्लिक द लिंक इफ इट इज डज नॉट स्टार्ट। तो यह बोलता है कि थोड़े ही सेकेंड्स में आपका जो डाउनलोड है वो स्टार्ट हो जाएगा। अगर नहीं होता तो आप इन ये जो लिंक्स दी हुई हैं इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं।
मैंने यहाँ पे एक डाउनलोडर का यूज करा हुआ है, IDM इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर का, इसलिए मेरा ये जो डाउनलोड डायलॉग बॉक्स है कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। आप जब इसको डाउनलोड करेंगे तो ये क्रोम के बॉटम साइड में आके डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा और आपको डाउनलोड होते हुए दिखाई देगा। ठीक है, मेरा जो डाउनलोडर है वो इस तरह से दिखाई दे रहा है। आपका डाउनलोडर जो क्रोम का बाय डिफॉल्ट डाउनलोडर होता है वो रहेगा, सो वो बॉटम में आके आपको दिखने लग जाएगा कि कितना परसेंट डाउनलोड हुआ है या नहीं हुआ है। जैसे ही डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप फर्दर मूव कर सकते हैं। सो मैं आपको दिखा देता हूं कि डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद क्या करना है। सो मैंने स्टार्ट डाउनलोड के ऊपर क्लिक करा, अब ये डाउनलोड होना शुरू हुआ है। इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं ये जितना डाउनलोड की प्रोसेस है इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाऊंगा ताकि आपका जो टाइम है वो वेस्ट ना हो। So, अभी आपने देखा कि मेरा ये जो सॉफ्टवेयर था वो डाउनलोड हो चुका है सक्सेसफुली। ठीक है, अब ये जहां पे डाउनलोड हुआ है आपको उस लोकेशन पे जाना है और आपको उस लोकेशन पे जाके इसका जो पैकेज डाउनलोड हुआ है उसको डबल क्लिक करके रन करना है। सो आप कैसे देखेंगे कि वो कहां पे है? सो अगर आपने क्रोम के थ्रू डाउनलोड करा है, सो क्रोम के अंदर जब आप इस आइकन पे जाकर क्लिक करते हैं सो आपको डाउनलोड्स का ऑप्शन मिलता है। डाउनलोड्स के ऑप्शन के अंदर आपको इस तरह से दिखाई दे जाएगा ऑप्शन आपके सॉफ्टवेयर का जो डाउनलोड हुआ है, और आप शो इन फोल्डर के ऊपर क्लिक करेंगे सो वो आपको उस फोल्डर पर डायरेक्टली लेके जाएगा जहां पे आपका सॉफ्टवेयर डाउनलोड हुआ है। ठीक है, मैं मैन्युअली जा रहा हूं क्योंकि मैंने दूसरे डाउनलोडर के थ्रू उसको डाउनलोड करा है, सो मुझे पता है वो कहां पे हुआ है डाउनलोड। सो मैं उस लोकेशन पे आ चुका हूं, अब मैं उस लोकेशन पे आ गया हूं जहां पे मेरा सॉफ्टवेयर डाउनलोड हुआ है। आप यहां पे देख सकते हैं लिब्रे ऑफिस 7.1.3 विंडोज 86 2.msi। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे इस सॉफ्टवेयर को रन करना है डबल क्लिक करके। सो मैंने इसके ऊपर डबल क्लिक करा, अब देखिए ये जो इसका इंस्टॉलर है ये स्टार्ट हो गया है और यहाँ पे लिख के आ गया प्रिपेयरिंग टू इंस्टॉल, वेलकम टू द इंस्टॉलेशन विजार्ड फॉर लिब्रे ऑफिस 7.1.3.2। तो यहाँ पे ये विजार्ड ओपन हो गई है, अब मुझे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे टिपिकल और कस्टम आप सिलेक्ट कर सकते हैं, मैं टिपिकल ऑप्शन को सिलेक्ट करके ही इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। मैंने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दिया है। Click install to begin the installation. Create a shortcut on desktop. Yes. Load LibreOffice 7.1.3.2 during system startup. तो अगर आप चाहते हैं कि LibreOffice automatically start हो जाए जब आप अपने system को start करें तो आप इस option को select करिए। अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो इस option को आप रहने दीजिए। मैंने इस option को select नहीं करा है और install के ऊपर click कर दिया। इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करने के बाद अब ये पूरा प्रोसेस रन होगा और आपको हो सकता है कि वो नेक्स्ट ऑप्शन करने को बोले। तो देख लेते हैं हम इस इंस्टॉलेशन की प्रोसेस में कि यहाँ पे क्या ऑप्शन आ रहा है। सो इस तरह से एक नोटिफिकेशन आया है और इसको आपको यस कर देना है। अब देखिए ये इंस्टॉलेशन की प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे कुछ फाइल्स मेरे सिस्टम में पहले से ही अवेलेबल हैं, सो ये उन फाइल्स के ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने को बोल रहा है। आपके सिस्टम में हो सकता है ऐसी विंडो ना आए। आगे बढ़ते हैं और ओके के ऊपर क्लिक कर देते हैं। ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे वो जो एप्लीकेशन है जो इसके इंस्टॉलेशन को रोक रही थी उसे ये बंद कर रहा है और आगे प्रोसीड कर रहा है। मैं इस पूरी प्रोसेस को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाऊंगा ताकि आपका जो टाइम है वो वेस्ट ना हो इंस्टॉलेशन को लेकर, और इंस्टॉलेशन का प्रोसेस आप देखते रहेंगे बट ये थोड़ा फास्ट वर्क करेगा। और जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाएगा फिर मैं आपको लिब्रे ऑफिस को यूज करके बताऊंगा कि हम लिब्रे ऑफिस को किस तरह से यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो यहां पे देखिए अभी इंस्टॉलेशन का प्रोसेस रन हो रहा है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो इंस्टॉलेशन की जो प्रोसेस थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल गया है फिनिश का, तो आप फिनिश के ऊपर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आपको एक मैसेज दे रहा है, यू मस्ट रीस्टार्ट योर सिस्टम फॉर द कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस मेड टू लिब्रे ऑफिस टू टेक इफेक्ट, क्लिक यस टू रीस्टार्ट नाउ और नो इफ यू प्लान टू रीस्टार्ट लेटर। तो मैं इसको नो करता हूँ क्योंकि मुझे अभी इसको रीस्टार्ट नहीं करना है।
ठीक है दोस्तों, सो मेरा लिब्रे ऑफिस पैकेज मेरे सिस्टम में इंस्टॉल हो गया है सक्सेसफुली। मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये किस तरह से दिखाई देगा, ये किस तरह से यूज होगा। सो आप स्टार्ट पे जाइए, ऑल प्रोग्राम में जाइए, यहाँ पे आपको लिब्रे ऑफिस 7.1 का ऑप्शन दिखाई देगा। जब आप इस लिब्रे ऑफिस 7.1 के ऊपर क्लिक करेंगे सो इसके अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। अगर मैं स्क्रीन को थोड़ा जूम करके आपको दिखा पाऊँ तो देखिए, जैसे ही मैंने लिब्रे ऑफिस 7.1 के ऊपर क्लिक करा सो यहाँ पे लिब्रे ऑफिस बेस जो कि डेटाबेस के लिए काम में आता है, लिब्रे ऑफिस कैलसी जो कि स्प्रेडशीट के लिए काम में आता है जैसे आप एक्सेल का यूज करते हैं उसी तरीके से, लिब्रे ऑफिस ड्रॉ अगर आपको कुछ ड्राइंग्स बनानी है, कुछ चार्ट्स बनाने हैं तो आप लिब्रे ऑफिस ड्रॉ का यूज कर सकते हैं, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस फॉर द प्रेजेंटेशन, लिब्रे ऑफिस मैथ फॉर टाइपिंग द फॉर्मूलाज एंड इक्वेशंस ऑफ मैथ्स फॉर प्रिंटिंग पर्पस, लिब्रे ऑफिस राइटर वर्क एज अ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज करते हैं वैसे ही ये लिब्रे ऑफिस राइटर है जिसका यूज करके आप बेसिक डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। तो मैं आपको लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस कैलसी और लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस दिखा देता हूँ ओपन करके। तो अभी मैंने लिब्रे ऑफिस राइटर के ऊपर क्लिक करा है, ठीक है। सो ये इसकी स्टार्ट विंडो है, ये अभी लोड हो रहा है, थोड़ा सा वेट करते हैं। ओके सो ये हमारा लिब्रे ऑफिस ओपन हो गया है। क्योंकि हमने इसको फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करा है सो ये आपको कुछ टिप्स बता रहा है कैसे इसको यूज करना है। अगर आपको टिप्स देखनी है तो आप नेक्स्ट टिप के ऊपर क्लिक कर सकते हैं और ना आप ओके करके इसको बंद कर सकते हैं। यू आर रनिंग वर्जन 7.1 ऑफ लिब्रे ऑफिस फॉर द फर्स्ट टाइम, डू यू वॉन्ट टू लर्न व्हाट्स न्यू, सो आप रिलीज नोट्स के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको क्लोज कर सकते हैं। सो ये देखिए, ये बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह दिखाई दे रहा है। इसका भी जो इंटरफेस है वो काफी रिच है, इसका जो ग्राफिकल इंटरफेस है वो काफी अच्छा है और ये बिल्कुल सिमिलर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के तरह। आपको यहाँ पे एडिट का फीचर मिल जाएगा, व्यू का फीचर मिल जाएगा, इंसर्ट का फीचर मिल जाएंगे, ठीक है। कई सारे यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के से, सो इसको भी आप एक अल्टरनेट लेके चल सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, कि जब आपके पास अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ना हो, अगर आपको डॉक्यूमेंट बनाना है तो आप लिब्रे ऑफिस का यूज कर सकते हैं। सो ये था हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर। अब मैं आपको दिखा देता हूँ लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट जिसे हम एक्सेल बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट के अंदर। सो ये है हमारा कैलसी, ठीक है, जो कि एक एक्सेल की शीट की तरह वर्क करता है। तो देखिए यहाँ पे भी रो एंड कॉलम आपको दिख जाएंगे, नीचे शीट का बटन आपको मिल जाएगा जहां से आप शीट को बढ़ा सकते हैं। जब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज करते हैं तो आपको बाय डिफॉल्ट 3 शीट्स मिलती हैं, यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट 1 शीट मिलती है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस जो कि माइक्रोसॉफ्ट प्रेजेंटेशन की तरह वर्क करता है, ठीक है। सो ये देखिए, ये है माइक्रोसॉफ्ट इम्प्रेस का इंटरफेस। जैसे ही आपने इसको स्टार्ट करा है तो ये आपसे पूछ रहा है कि आपको इस टेम्पलेट को सिलेक्ट करना चाहते हैं, जो बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं उनमें से किसी को सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये एक टेम्पलेट को सिलेक्ट कर लिया है और मैंने ओपन के ऊपर क्लिक कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट प्रेजेंटेशन माइक्रोसॉफ्ट पीपीटी की तरह दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको स्लाइड्स दिखाई दे रही हैं और उसका लेआउट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो ये 3 इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर जो एक पर्टिकुलर पैकेज के अंदर होता है, जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट के पैकेज के नाम से जानते थे, सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास इंटरनेट पे ओपन ऑफिस और लिब्रे ऑफिस के पैकेजेस भी अवेलेबल हैं जो कि बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट के पैकेज की तरह, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट की तरह ही वर्क करते हैं, तभी इनका जो नाम है वो ओपन ऑफिस सूट और लिब्रे ऑफिस सूट रखा गया है, ठीक है दोस्तों। सो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो सो इस वीडियो को जरूर लाइक करिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करिए ताकि जिनको लिब्रे ऑफिस के बारे में नहीं पता है वो उसको यूज करके देख सकें, वो उसको इंस्टॉल करके देख सकें, अगर उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है सो वो इस वीडियो को रेफर कर सकें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है लिब्रे ऑफिस को इंस्टॉल करते समय सो आप कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकते हैं। मैं लिब्रे ऑफिस के जो डाउनलोड की लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके भी डायरेक्टली डाउनलोड के पेज पे पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए स्टे सेफ।